से बीजेपी की जीत के लिए और बीजेपी के समर्थन में जगह जगह ये हवन किए जा रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता हवन कर रहे हैं, वहीं अयोध्या में आपने तस्वीर देखी जहां पर खुद महंत राजूदास हवन कर रहे थे। एग्जिट पोल में बीजेपी की बंपर जीत का अनुमान है। तो तस्वीरें मैं आपको पटना की दिखा रहा हूं, देख लीजिए, पटना अयोध्या में हवन हो रहा है। अगर इसका एम्बियंस दीजिए, बताया जा रहा है बीजेपी की जीत के लिए ये हवन किया जा रहा है। डायरेक्टर कौन है? जगह पूजा पाठ चल रही है एग्जिट पोल के बाद, ये आप देख रहे हैं हवन हो रहा है। कल मैंने दिखाया था टीएमसी भी हवन कर रही थी वैसे, और दूसरी तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर में भी तैयारियां चल रही हैं पूरी। ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमित शाह के पोस्टर लगे, उनको तिलक किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र तिलक। तो जगह जगह देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं सुबह पूजा पाठ की और हवन की। सुचारिता हिमानी, बिल्कुल, तो देश भर में ये जगह जगह पर हवन किए जा रहे हैं बीजेपी के समर्थन में। दरअसल ये हवन किए जा रहे हैं, हम आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटना से तस्वीर दिखा रहे हैं, अयोध्या से तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली से तस्वीर दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने बांसुरी स्वराज की भी तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां पहुंची हुई थी वो बिरला मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए। और बिल्कुल अभी अभी खबर आ रही है कि जगत प्रकाश नड्डा ने 8 बजे सुबह अपने घर में सारे बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग बुला ली है। तो जो उनका जनपथ रोड स्थित घर है, सोहेल, सुचारिता और हिमानी, सुबह 8 बजे 8 AM बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने घर पे बीजेपी के मुख्यालय पे नहीं, अपने घर पे सारे नेशनल जनरल सेक्रेटरीज की बैठक बुला ली है। सो इट्स अनलाइकली कि बीजेपी इतना अर्ली मॉर्निंग करती है, लेकिन सुबह 8 बजे जगत प्रकाश नड्डा के घर पे बीजेपी के सारे नेशनल जनरल सेक्रेटरीज की बैठक है जी। और मैश्योर है, जो बात आप कह रहे हैं, कल भी नड्डा साहब के घर में बैठक हुई थी, राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे। तो जो बता रहे थे ऐश्वर्या, जेपी नड्डा ने हाई लेवल बैठक अपने आवास पर बुलाई है। जिस तरह 1 तारीख को अंतिम चरण की वोटिंग थी, उस दिन भी जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक हुई है और तब से बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है। ये दोनों खेमों में चल रहा है। हालांकि एग्जिट पोल्स एक तरफा जीत की बात कर रहे हैं, पोल ऑफ पोल्स भी बीजेपी को और एनडीए की सरकार बनाता हुआ दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष के दावे अपनी जगह है। यहां जेपी नड्डा के आवास पर एक अहम बैठक। जी बिल्कुल, दावे अलग जगह है, लेकिन एक बात जो हमने कल भी कही थी कि नतीजे मानो, जो भी रिजल्ट्स हो, अभी टैली शुरू भी नहीं हुई है और आप देख रहे होंगे एनडीए पे 1, वो पता होना चाहिए एनडीए पे 1 क्यों, क्योंकि एक सीट ऐसी थी जिसपे कुछ भी ऑपोजिशन नहीं था और वो इसलिए है सूरत की। लेकिन नतीजे मानो, क्योंकि कल जो हमने जिस तरह से पहले ही देखा, सुचारिता, सोहेल और हिमानी, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सुबह सुबह आपसे रुका नहीं जा रहा, नंबर क्रंचर से रुका नहीं जाता। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आया था सूरत लोकसभा सीट पर, जो इस बार बिना इलेक्शन का गया। इस बार तो हुआ ही नहीं। तो पिछले लोकसभा चुनाव में 74.46% सीट पर बीजेपी को वोट आया था, सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट उसी सीट पर आया था। नंबर के हिसाब से चलेंगे तो इंदौर सीट पर 10,68,569 वोट बीजेपी को, इंदौर में भी इस बार ऐसे हुआ है। यस, और इस बार परसेंटेज के हिसाब से उस सीट पर और इस नंबर के हिसाब से इंदौर सीट पर बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट आया, सबसे ज्यादा हुआ। सोहेल, तो इस वक्त आपको बता दें, जो बात अभय जी कह रहे हैं कि सूरत की सीट पर सबसे ज्यादा वोट मिला था बीजेपी को, लेकिन अभय जी ये भी विरोधी तो कुछ और कह रहे थे, विरोधी कह रहे थे कि सबसेट कर लिया इसलिए हो गया। अब देखिए, कहने का कुछ भी कहा जा सकता है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात लोकसभा चुनाव में अगर 2019 की बात करें तो 182 सीट में बीजेपी 173 विधानसभा सीटों पर आ गए थे, सिर्फ 9 सीट पर कांग्रेस पार्टी आ गई थी। कहने का अर्थ है कि गुजरात में जो अडवाणी साहब 1991 में वहां से चुनाव लड़ना शुरू किया और वहां से जो बीजेपी का एक जो शुरू हुआ, उसके बाद भगवान मैंने बीजेपी अभी तक आगे बढ़ती जा रही है और मुझे दूर दूर तक कोई लड़ाई मुहा नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेस्ट बंगाल में जो ज्योति बसु और कम्युनिस्ट ने जो अपना बनाया था रिकॉर्ड, वो वहां पर टूटेगा कहां पर, गुजरात में। मतलब गुजरात एक और क्लीन स्वीप स्टेट, फिर से आप कह रहे हैं कि गुजरात में एक स्वीप हो सकता है फिर से, 26 सीटें बीजेपी के पाले में जा सकती है। यस, वेरी वेरी। लेकिन सारे के सारे एग्जिट पोल ने तो हिमानी सिर्फ गुजरात में नहीं, देश में एक तरह से, और ये कुछ जो एंटी इनकम्बेंसी की हम 14 से पहले बात करते थे सुचारिता, सोहेल और हिमानी, कि कोई एंटी इनकम्बेंसी भी है, इस बार तो प्रो इनकम्बेंसी। 10 साल की सरकार के बाद नरेंद्र मोदी नंबर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं एग्जिट पोल में, कम से कम